नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। न्यूज मॉर्निंग इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी और आज सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। और वहीं सियासत के सुपर सैटरडे में प्रियंका राहुल अमेठी में जन जागरण अभियान के तहत पदयात्रा निकालेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में बैक टू बैक 3 जनसभाएं करेंगे। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन के मरीज अब 113 पहुंच गए हैं। बीती रात गाजियाबाद में भी 2 केस मिले हैं। वहीं ओमिक्रॉन के संकट के बीच राहत की खबर भी एक सामने आई है। वो खबर ये कि WHO ने बच्चों की भारतीय वैक्सीन कोवावैक्स को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। और आज से वायु गुणवत्ता में सुधार के बीच दिल्ली में स्कूल कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। हालांकि इन खबरों पर हम लगातार नजर अपनी बनाए रहेंगे। तो आज की ये बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिन पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। तो न्यूज इंडिया पर दिन भर की ये बड़ी और अहम खबरें। सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आज शाहजहांपुर को एक्सप्रेस वे की सौगात देने जा रहे हैं। और आइए एक बार फिर से अहम खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाहजहांपुर दौरा है। दोपहर 1 बजे गंगा एक्सप्रेसवे का वो शिलान्यास करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर होगी एक्सप्रेसवे की लंबाई। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रोजा थाना के रेलवे ग्राउंड में ये जनसभा होगी और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन शामिल होंगी। शाहजहांपुर के बाद बरेली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो गंगा एक्सप्रेसवे का मॉडल जो है वो नजीर बनेगा, क्योंकि पीएम मोदी यहां पर जाएंगे। देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो बनकर तैयार होगा। उत्तर प्रदेश को सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिलने जा रही है। तो शाहजहांपुर के बाद बरेली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का आज ये शाहजहांपुर दौरा। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। प्रधानमंत्री रोजा रेलवे ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम के मंच के पीछे रेत का एक मॉडल भी बनाया गया है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि ये एक्सप्रेसवे कैसे 12 जिलों को जोड़ेगा। आपको बता दें कि योगी सरकार ने पिछले साल 26 नवंबर को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी थी। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बना है। तो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे का निर्माण अडानी इंटरप्राइजेस और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स करेंगे और बिडिंग प्रक्रिया के जरिए चयनित हुई इन कंपनियों पर कैबिनेट बैठक में हरी झंडी भी मिल गई है। तो एक्सप्रेस वे जो है क्या वो प्रचंड जीत दिलाएगा आने वाले विधानसभा 2022 चुनाव में, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक बात एक उद्घाटन हो रहे हैं और ये तमाम दौरे जो है वो चुनावी लिहाज से बेहद खास होते जा रहे हैं। और स्वीच एक बड़ी अहम खबर आप तक पहुंचा दें। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरिद्वार दौरा है। आज उत्तराखंड विजय संकल्प यात्रा को वो संबोधित करेंगे। हरिद्वार में 12:45 पर इस यात्रा को संबोधित करेंगे नड्डा। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने चुनावी गतिविधियां जो है वो तेज कर दी है और इस कड़ी में पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार से गढ़वाल मंडल की यात्रा की शुरुआत करेंगे, जबकि कुमाऊं मंडल की यात्रा 19 दिसंबर को बागेश्वर से केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर रवाना करेंगे। गढ़वाल क्षेत्र में यह यात्रा 2,660 किलोमीटर और कुमाऊं में 1,890 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान प्रदेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल और डबल इंजन की उपलब्धियों की जानकारी आमजन को दी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता संजय पुंडीर का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से उत्तराखंड विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और क्या कुछ खास होगा, क्योंकि अब मिशन उत्तराखंड पर भी बिल्कुल आपको बता दें 2022 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह लग गई है। हालांकि लगातार ही देवभूमि का रुख, जो बड़े दिग्गज नेता है वो देवभूमि का रुख कर रहे हैं, ऐसे ही आज विजय संकल्प यात्रा की तैयारी है। हालांकि कल जो रथ था, जो रथ रवाना होगा उसकी कल पूजा अर्चना की गई थी, हर की पौड़ी पर उसकी पूजा अर्चना की गई थी। जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उन्होंने पूजा अर्चना की थी। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा हरिद्वार दौरे पर रहेंगे और विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि कई दिनों पहले से ही तैयारियां चल रही थी, इसी को लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, तमाम आज हरिद्वार पहुंचेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज इस यात्रा में रह सकते हैं और ये हरिद्वार से शुरू होकर कुमाऊं और गढ़वाल दौरे पर रहेंगे। तमाम तैयारियां कर ली गई है। हालांकि पिछले 4.5 साल से
संजय, कहा यह जा रहा है कि इस दौरान प्रदेश सरकार के 5 साल का जो उनका कार्यकाल है, उनकी जो उपलब्धियां हैं इन 5 साल में, डबल इंजन की उपलब्धियों की जानकारी आमजन को दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव आते हैं और ऐसे वक्त में आप कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया, हमने बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है अपने काम को गिनाने की। बिल्कुल, चुनाव से पहले जो विकास कार्य होते हैं उनको गिनवाया जाता है। हालांकि जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तरह तरह के वादे कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 4.5 साल के कार्य है उसमें सड़क के कार्य हो, योजनाएं हो, तमाम तरह के कार्य जनता को गिनवा रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल है, जिस तरीके से पिछले 4.5 साल में काम क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसी को लेकर जनता के बीच ये विजय संकल्प यात्रा पहुंचेगी। हालांकि लगातार विपक्ष हमलावर भी है कि कहीं कोई कार्य नहीं हुआ है। ऐसे में जनता कितनी खुश है और कितनी नहीं है ये आने वाले चुनाव में पता लग पाएगा। लेकिन तमाम तरह की योजनाएं और कार्यों को लेकर आज विजय संकल्प यात्रा हर की पौड़ी के पंदी पर पार्किंग से शुरू होकर तमाम जो इसका 4 दिन का दौरा हरिद्वार रहने वाला है। हालांकि उसके बाद ये कुमाऊं की ओर रुख करेगी, जहां विजय संकल्प यात्रा की शुभारंभ जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। साफ कहा जा सकता है कि चुनावी मोड में जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह दिखाई दे रही है। हालांकि तमाम तैयारियां कर ली गई है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन में अब के जो मामले हैं वो उनमें लगातार इजाफा जो है वो होता चला जा रहा है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। देश में कुल मामले 113 है, अकेले महाराष्ट्र में 40 मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। इनके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 22 मामले अभी तक आ चुके हैं ओमिक्रॉन के, और साथ ही उत्तर प्रदेश में अभी तक ये मामले 2, गाजियाबाद से रात खबर आई कि 2 मामले सामने आए हैं। इनके अलावा राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 17 मामले ओमिक्रॉन के अभी तक सामने आ चुके हैं, कर्नाटक में 8 मामले। तो ओमिक्रॉन का लगातार ये जो आंकड़ा है इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में 8 मामलों की पुष्टि अभी तक हो चुकी है कि, तो देश में ओमिक्रॉन के 22 नए और मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। 113 कुल मरीजों की संख्या जो है वो हो गई है, तो 113 केस लगातार आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी लोगों को चेतावनी दी है, लोगों को चेताया है कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, 2 गज की दूरी का हमेशा ख्याल रखिए, 2 गज की दूरी के साथ ही बातचीत कीजिए। तो गाजियाबाद में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के ये पहले मामले सामने आए हैं, 2 मामले गाजियाबाद में सामने आ चुके हैं। तो देश में कुल मिलाकर ओमिक्रॉन के अभी तक 22 नए मामले सामने आ चुके हैं, लिहाजा अब ये संख्या जो है बढ़कर 113 हो चुकी है। तो डबल खतरा लगातार मंडरा रहा है, लिहाजा आप लोग 2 गज की दूरी, मास्क, ये तमाम नियम जो है इन्हें जरूर अपनाइए। केंद्र सरकार भी लगातार अपील कर रही है कि 2 गज की दूरी जरूरी है और मास्क भी उतना ही जरूरी है। तो ये एहतियात आपको और हमें मिलकर बरतनी है ताकि हम किसी भी नए वेरिएंट को अब और ज्यादा खतरा पैदा करने के लिए इसको यहाँ पर नहीं आने दें। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा आपकी और हमारी कोशिशों की वजह से, क्योंकि आप और हम एहतियात बरतेंगे तभी हम इस बड़ी मुसीबत से निजात पा सकते हैं। तो डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन यानी डबल खतरा लगातार आपके सर पर मंडरा रहा है, लिहाजा 2 गज की दूरी, मास्क, तमाम नियम, तमाम जरूरी गाइडलाइंस जो है उनको आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि लगातार देश में मामलों में इजाफा होता चला जा रहा है। तो सावधानी ही महज एक बचाव है। आपको बता दें कि राजस्थान प्रशासन में बड़ा फेरबदल हुआ है। राजस्थान में पुलिस अधिकारियों का तबादले किए गए हैं। आरपीएस के 236 ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है। 2016 बैच के 64 पुलिस अधिकारी भी इनमें शामिल हैं। तो राजस्थान प्रशासन में ये बड़ा फेरबदल, आपको बता दें कि 2016 बैच के 64 पुलिस अधिकारी शामिल है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता दीपक चावला का। दीपक, जिस तरीके से राजस्थान प्रशासन में ये बड़ा फेरबदल अचानक से किया गया है कि एक नहीं दो नहीं आरपीएस के 236 ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है, कैसे देखें इस तबादले की प्रक्रिया को? क्योंकि बड़ा फेरबदल है, नए साल की शुरुआत से पहले सितंबर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में जो विभाग है, तो उन्होंने इस पूरी जो लिस्ट है इस पर काम कर लिया था और कल माना जा रहा था कि लिस्ट आ सकती है। उसके बाद जो है दो दीपक, शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है तकनीकी खराबी की वजह से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे आपसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर राजस्थान प्रशासन में ये बड़ा फेरबदल जो हुआ इसके क्या माने हैं। ठीक न्यू ईयर से पहले जब साल बदलने वाला था तो राजस्थान प्रशासन में ये बड़ा फेरबदल, पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आरपीएस के 236 ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है। बता दें कि 2016 बैच के 64 पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल है। तो राजस्थान प्रशासन में ये बड़ा फेरबदल किया गया है।
तो लगातार जिस तरीके से राजस्थान में एक के बाद एक उथल पुथल की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, और ऐसे में अब प्रशासन में भी फेरबदल की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। एक नहीं दो नहीं कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर जो है वो किया गया है। न्यू ईयर से पहले इन सब की पोस्टिंग जो है वो बदल दी गई है। और बात एक गुड न्यूज की, जी हाँ, कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में हिंदुस्तान की धाक जमाई, पड़ोसी मुल्कों को हर मुमकिन मदद दी, वैक्सीन पहुंचाई, करोड़ों लोगों की जान बचाई। भूटान ने पीएम मोदी को सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा है। देश पर चला जादू, दुनिया पर चला जादू, मोदी के माथे पर एक और सम्मान तिलक। सारा जमाना मोदी का दीवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जुड़ गया है। पड़ोसी देश भूटान ने पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक अवार्ड नगाडे पेल की खारलो से सम्मानित करने का ऐलान किया है। कई देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मान कर चुके हैं। भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने के फैसले से हम काफी खुश हैं। कोरोना महामारी के दौरान एवं पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो सहयोग और समर्थन दिया है वो बेजोड़ है। कोरोना काल में जब दुनिया के कई देश वैक्सीन और दूसरी मेडिकल मदद के लिए जूझ रहे थे, तब भारत ने इन देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, क्योंकि भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में हमेशा विश्वास करता रहा है। क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। दूसरी लहर के दौरान जब दुनिया का खुद पर ध्यान था तो भारत अन्य देशों की मदद कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना किसी शर्त के दोस्ती भूटान के लिए, उनके समर्थन और विशेष तौर पर कोरोना महामारी के दौरान की गई मदद के लिए भूटान ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान का ताज पहनाने का फैसला लिया है। भूटान के अलावा पीएम मोदी को अब तक 8 देश अपने नागरिक सम्मानों से सम्मानित कर चुके हैं, जिसमें 5 मुस्लिम देश भी शामिल हैं। कौन कौन से देश पीएम मोदी को सम्मानित कर चुके हैं, आइए आपको बताते हैं। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद सम्मान, सऊदी अरब, 3 अप्रैल 2016 सऊदी अरब ने साल 2016 में पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद सम्मान दिया था। ये सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो गैर मुस्लिम शख्सियतों को दिया जाता है। यह अवार्ड आधुनिक सऊदी अरब के संस्थापक किंग अब्दुल अजीज अल सऊद के सम्मान में दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मानित किए जा चुके हैं। जून 2016 में पीएम मोदी को स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानतुल्ला खान सम्मान दिया गया था। यह अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अफगानिस्तान की आजादी का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय नायक अमानुल्ला खान के सम्मान में दिया जाता है। तो देखा आपने कि पीएम मोदी को कैसे भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है वो मिला है।